जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज एंड टेक में। दोस्तों आज मैं एक आपके लिए छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू लेकर आया हूं। टाटा की नई जो गाड़ी आई है टाटा एल्थ्रोस, और ये टॉप मॉडल है। तो मैं इसका पहले आपको एक ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ, कैसी इसकी प्रोफाइल है। ये जो इसके जो ये इसके लाइट्स हैं इतनी खूबसूरत लग रही हैं, क्या कहने। ये इसकी साइड प्रोफाइल है, मतलब एक मैं आपको बात बताऊँ ना, ये बहुत ही अच्छी लग रही है गाड़ी, और हर एंगल से बहुत ही प्रीमियम लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। ये टॉप मॉडल है, इसका बैक प्रोफाइल आप देखिए कितना सही लुक दिया है टाटा ने इसको। और टाटा है ना, अपनी छवि बदलना चाह रहा है पूरा तरीके से ना, और इसीलिए वो नई नई गाड़ियाँ इतने सही डिज़ाइन में लेकर आ रहा है, बहुत सही डिज़ाइन में लेकर आ रहा है। तो जो इसकी प्रोफाइल है पूरी गाड़ी की, हर एंगल से बहुत अच्छी लगती है। अंदर की तरफ हम चले ना, तो फीचर्स की भरमार इसमें दी गई है। नया स्टेयरिंग इसमें दिया गया है, सीट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, या काफ़ी जगह आप देख रहे हैं। 5-speed गियरबॉक्स में आती है, यहाँ पर भी स्पेस आप देखेंगे, ठीक है ना। और जो इसका ग्लव बॉक्स है उसमें जो है ना, बहुत ही बढ़िया स्पेस है, मतलब काफ़ी डीप है ये, बहुत अंदर बहुत गहरा है ये। साथ ही साथ जो इसकी जो इसमें कूलिंग सिस्टम भी है, अगर आप इसमें टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें कूलिंग सिस्टम भी है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना स्पेस दे रखा है, आराम से आप इसमें 1 liter की बोतल आराम से रख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बढ़िया है, जो इसका ये जो टॉप मॉडल है XZ प्लस मॉडल है, यहाँ पर जो है लाइट दी गई है, जगह है रखने की, बीच में कोई लाइट नहीं दी गई है, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया गया है। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा गाड़ी में जो मुझे एक बहुत बढ़िया खूबी जो एक और लगी है, वो है इसका कंफर्ट लेवल। और जो इसके ये जो विंडोज़ हैं ये 90° पर फुल ओपन होते हैं। अगर पीछे की तरफ से मैं दिखाऊँ तो अच्छा खासा कंफर्ट है इसमें गाड़ी में। मैं आपको बताऊँ 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे अगर हेल्दी लोग हैं, लेकिन अगर 3 medium साइज़ के लोग हैं तो वे आराम से इसमें बैठ सकते हैं, इतनी कंफर्टेबल है गाड़ी। हेडरूम लेग रूम काफ़ी अच्छे से है, पीछे भी आप आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं दी है, मुझे थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं लगा बात, यहाँ पर लाइट देनी चाहिए थी ऊपर, एक और ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिकली अगर उसको देखें तो ज़रूरत पड़ती है। बूट स्पेस का 350 liter का है, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस है इस जो ये जो हैचबैक जो गाड़ी आती है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस में दिया गया है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मुझे गाड़ी लगी है। इसकी लाइट्स बहुत ही अच्छी लगी हैं, चाहे वो आगे वाली लाइट हो पीछे वाली लाइट हो, बहुत ही प्रीमियम फीलिंग इस गाड़ी में आती है। 16 inch के इसमें टायर दिए गए हैं, एलॉय व्हील बहुत अच्छे लगे, डायमंड कट एलॉय व्हील दिए गए हैं, एक 165mm की इसमें जो है ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी है गाड़ी मेरे को लगी है, और मैं जल्दी इसका फुल रिव्यू भी लाऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।